ये पुल को बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय लगा, बट बना बहुत खतरनाक और आगे अभी और बन रहा है। हेलो गाइस, तो आज हम लोग जाने वाले हैं टुक्काडी। पता चला है कि टुक्काडी पे एक नया सा पुल बना है, उसी को देखने के लिए हम और हमारे दोस्त जा रहे हैं। ये हमारे दोस्त है, ये गौरव भाई, जो वेस्ट बंगाल से स्पेशल टुक्काडी का पुल देखने के लिए आए हैं। तो गौरव, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नया सा देखने के लिए जा रहे हैं हम लोग। देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा से राजा। हाँ सर, बताइए कुछ। क्या बताएं सर हम आपको, वो पुल बहुत ही अच्छा है। चलो तब देखते हैं। चलिए, और इधर से हम लोग को टुक्काडी जाना होगा। ये रास्ता से हम लोग टुक्काडी जाएंगे। ये हमारा मंदिर है। हम लोग यहाँ से आप लोग किलोमीटर देख सकते हैं, अगर आप इस जगह पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो। किसी को भी पूछिए कि खुसरो रोड कहाँ है, आपको बता देगा। देख पा रहा है, नियर पे एक मंदिर है, उसके आगे थोड़ा सा आइएगा, वहाँ टर्निंग होगा, उस टर्निंग पे घुस जाइएगा और एक मंदिर है, एक दुर्गा और एक मंदिर। अगर आपको वो मंदिर नहीं अच्छा से दिखा तो ये मंदिर आप देख सकते हैं। गाड़ी देखे दुर्गा भैया, दुर्गा जी का है मंदिर। और इधर से हम लोग पुल जाएंगे। इधर BRL DAV पब्लिक स्कूल भी है ना, इसी रास्ते पे जाइए। ये रास्ता तो अभी थोड़ा सा खराब है, अभी थोड़ा पर आगे धीरे धीरे बन जाएगा। काफी अच्छा है। फाइनली गाइस, हम लोग पुल पहुंच गए हैं और थोड़ा सा बस चार कदम आगे हम लोग का पुल है और मैं आप लोगों को पूरा पुल दिखाऊंगा। भाई साहब, क्या व्यू है। Thank you.
गाड़ी पे ना बैठ के पैदल आ रहा है। ये अच्छा क्या पुल के साइड में जो बना दिया है, लग रहा है स्टेशन टाइप का है। उसके बाद ये दामोदर नदी आप देख पा रहे हैं। पानी तो बहुत गंदा है बट बहुत ज़्यादा मात्रा में बह रहा है पानी। और ये पुल काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। और मैंने आप लोगों को वो साइड दिखा दिया था, अब ये साइड दिखा रहा हूँ। ये है दामोदर नदी। इस इतना बड़ा मतलब नदी के कारण बहुत काफ़ी टाइम लगा इस पुल को बनाने के लिए। बन गया तो बहुत अच्छा है कि शॉर्ट से टुकड़े से चंद्रपुरा हम लोग जा सकते हैं। ये पुल को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगा बट बना बहुत खतरनाक, और आगे अभी और बन रहा है। पुल को बनाने में इसलिए ज़्यादा समय लगा क्योंकि ये जो नदी है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जिसके कारण बनाते 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 साल लग गए और फाइनली ये पुल बन गया। पुल बहुत ही अच्छा बना है, काफ़ी बड़ा बना है। और हमारे दोस्त पुल बहुत ही अच्छा है। चलिए हम अपने दोस्तों से पूछते हैं कि आप लोगों को पुल कैसे लगा। क्या प्रॉब्लम होगा जब हमको कुछ प्रॉब्लम? गौरव आप जो आए वेस्ट बंगाल से देखने के लिए इस पुल को, तो आपको कैसा लग रहा है पुल? बहुत अच्छा लग रहा है, नजारा बहुत अच्छा देख रहा है, व्यू बहुत अच्छा है, दारुण 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 लग रही है। आर किचु आर किचु बोलना नहीं, हम एंजॉय करो यार। तुम्हारे भालो लगे लो पुल था? हमारे दारुण लग रही, असाधारण असाधारण। तो राजा ये पुल तो तुम बहुत बार आया है, बहुत बार तो हम लोग को फर्स्ट टाइम लेगा, तो ये पुल थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं इस पुल के बारे में? ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये पुल जो चंद्रपुरा या लाड़को होता था ना उससे बहुत दूर पड़ता था हमें, मतलब ये रास्ता से हम लोग चंद्रपुर जा सकते। बहुत ही शॉर्ट, कम से कम उधर से हम लोग को 20 किलोमीटर लगता था, इसमें तो हम लोग को 10 किलोमीटर पे चल जाएगा। फिर एक तो उतना दूर से घूमना आना बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया ना। और ये और जब उधर बन जाएगा तो और अच्छा, और शॉर्ट हो जाएगा। और सब फूल क्या ही बोले, फूल क्या मस्त बना हुआ है, व्यू अच्छा है इसका क्या, बहुत अच्छा है। फाइनली हम लोग अब यहाँ से घर जा रहे हैं, तो मिलते हैं आगे।
देख रहे हो होटल कहीं मिल जाए, भूख लग गया काफी। फाइनली गाइस हम लोग नाश्ता कर लिया, बोरो भी कर लिया, और राजा भी नानी घर गया हुआ है, अभी आएगा वो तब जाएगा। टुपकटे पे उसका नानी घर है, आएगा उसके बाद जाएगा। हम लोग वेट कर रहे इस जगह पे कंप्यूटर के, और राजा आ गया। अब हम लोग जाने वाले हैं घर की ओर। हमारा जो ब्लॉग है हम लोग माफ करते हैं, पीछे देख लाइक करें।